नमस्कार। अभी हमने दो यादृच्छिक चरों के संदर्भ में एक फलन का व्यवहार देखा था। अब हम उस स्थिति की चर्चा करेंगे जहां हमारे पास दो यादृच्छिक चरों के दो फलन हैं। जहां हमारे पास दो यादृच्छिक चरों के दो फलन हैं। मान लीजिए हमारे पास दो यादृच्छिक चर x एवं y हैं एवं इन यादृच्छिक चरों द्वारा परिभाषित दो फलन z बराबर एक्स वाई एवं w बराबर। अब प्रश्न वही है जो हमारे पास एक यादृच्छिक चर के एक फलन के लिए था अथवा दो यादृच्छिक चरों के एक फलन के लिए ही था, कि हम z एवं w के सांख्य गुणधर्म विशेषतः बंटन फलन किस प्रकार ज्ञात करें। यदि हम देखा है यदि हमारे पास बंटन फलन आ जाए तब हमें घनत्व फलन ज्ञात करना सरल रहता है। तब अब हम देखते हैं किन्हीं संख्याओं w एवं z के लिए, यह छोटा w है, f z w अर्थात बंटन फलन z w बराबर है प्रायिकता z z से अधिक नहीं है एवं w w से अधिक नहीं है, यह बराबर है प्रायिकता जी एक्स वाई जेड से अधिक नहीं है एवं प्रायिकता एच एक्स वाई डब्ल्यू से अधिक नहीं है, यह बराबर है प्रायिकता एक्स वाई, यह क्रामिक द्वय एक्स वाई एक क्षेत्र डी जेड डब्ल्यू में है, यह बराबर है डी जेड डब्ल्यू fxy xy dx जहां dzw xy तल का वह क्षेत्र है जहां यह xy द्वय xy क्रामिक द्वय यदि हम लिखें हम dzw को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात dzw वह क्षेत्र है जहां यह दोनों असमीकरणें एक साथ संतुष्ट होती हैं। अब यदि gxy एवं hxy संतत अवकलनीय फलन है तब हम हैं जो हमें के घनत्व फलन सहायता करेगा। हम ZW के द्वय को एक द्विआयामी सादृश फलन के रूप में भी सकते हैं। हम ZW के द्वय को एक द्वयामी सादृश फलन के रूप में भी लिख सकते हैं। द्वयामी सादृश फलन क्या होते हैं यदि आप नहीं जानते हैं तब
आने वाले कुछ व्याख्यानों में हम इस पर विस्तारपूर्ण चर्चा करेंगे, किंतु अभी मान लीजिए कि यह कुछ इस प्रकार के हैं। यह जी एक द्विआयामी सादिश फलन है जो कि एक्स और वाई, अथवा जी एक ऐसा फलन है जो कि आर दो, जिसका प्रांत आर दो है एवं जिसका सहप्रांत भी आर दो ही है, अथवा यह हमें दो इस सादिश फलन के फलस्वरूप हमें दो मान प्राप्त होंगे। यह किस प्रकार होगा यह हम बाद में देखेंगे। अब किन्हीं भी संख्याओं z एवं w के लिए xy इस समीका का समाधान है। यह समीका द्वय समीका है, दो समीकाएं हैं, दो चर हैं, एवं इस समीका का समाधान यह द्वय xy ही होगा। अर्थात जब हम इस समीका के समाधान की बात करेंगे तब हम द्वय xy की बात करेंगे, दो समाधान एक साथ हैं का समाधान है। किंतु एक चर के फलनों के समान दो चरों के फलन भी अनेकैकी हो सकते हैं, अर्थात द्वय एक्स वाई द्वारा धारण किए गए अधिक मानों के लिए भी जी एक्स वाई, मान लीजिए इसे मैं जी एक्स आई वाई आई कह देता हूँ, जहाँ आई दो एन तक जा सकता है, भी जी एक्स आई वाई आई का मान जेड डब्ल्यू हो सकता है। अब हम जानते हैं कि हम द्वयायाम प्रायिकता घनत्व फलन को इस रूप में लिख सकते हैं, किसी भी द्वय जेड डब्ल्यू के आसपास अंतराल डेल्टा जेड डेल्टा डब्ल्यू में जेड एवं W के होने की प्रायिकता, Z एवं W होने की प्रायिकता इस प्रकार दी जाती है कि प्रायिकता Z Z डेल्टा Z W बराबर है यह हम जानते हैं, एवं हम यह भी देख सकते हैं कि यदि, अर्थात यदि मैं इसका ज्यामितीय रूप देखूं तब यह z यह w एवं हम इसके इस क्षेत्र में होने की प्रायिकता ज्ञात करना चाहते हैं एवं इस क्षेत्र का क्षेत्रफल लेते हैं। अब क्योंकि यदि मैं एक्स वाई तल की बात करूं तो यह एक्स एक वाई एक है, एक्स एक प्लस डेल्टा, तब यह पूरा क्षेत्र इस क्षेत्र द्वारा भी जनित हो सकता है
यह पूरा क्षेत्र इस क्षेत्र द्वारा भी जनित हो सकता है, यह पूरा क्षेत्र इस क्षेत्र द्वारा भी जनित हो सकता है। अर्थात क्योंकि z एवं w का एक मान एक से अधिक xy के द्वारा धारण किए गए एक से अधिक मानों से आ सकता है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह प्रायिकता असल में x और y द्वारा धारण किए गए इन सभी मानों का जोड़ होगी। अब मान लीजिए यहाँ यह फलन x1 y1 है, यह x2 y2 है, इसी प्रकार यह, एवं यहाँ पर इस क्षेत्र का क्षेत्रफल a1 है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल a2 है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल a3 है, तब प्रायिकता z बराबर है जोड़ i 1 से n प्रायिकता xi जमा डेल्टा xi y अधिक नहीं है y से जमा डेल्टा yi, यह अब प्रायिकता xi अधिक नहीं है x अधिक नहीं है xi जमा डेल्टा xi से yi जमा डेल्टा yi से, यह बराबर है fxy xi yi अथवा यह ai क्षेत्रफल। तत्स्वरूप हम लिख सकते हैं कि यह प्रायिकता जोड़ i fxy xi yi ai, यह समीकरण। i fxy xi yi यह अर्थात जो i xy बटे डेल्टा से डेल्टा w। अब हम यह फलन z एवं w के फलन के रूप में चाहते हैं, हम यह घनत्व फलन z एवं w के फलन के रूप में चाहते हैं, अर्थात हमें xi एवं yi को भी z एवं w के फलन में लिखना होगा। हम यह देख सकते हैं कि जिस प्रकार द्वय है उसी प्रकार हम लिख सकते हैं xi yi बराबर है i z। यह सरल है। अब यदि हम इसे इस प्रकार लिखें xi बराबर है pi ZW एवं YI बराबर है QI ZW, जहां PI और QI ऐसे फलन हैं जो कि ZW के लिए हमें XI और एवं YI देते हैं, तब हम लिख सकते हैं FZW ZW बराबर है जोड़ i f x y p i z w q i z w a i बटे डेल्टा z डेल्टा w। यह फिर से सीमा डेल्टा z
डेल्टा डब्ल्यू शून्य की ओर जाते हुए हम यह दिखा सकते हैं कि यह क्यू आई यह जहां इस फलन को जेकोबियन कहा जाता है एवं जेकोबियन पी आई क्यू आई जेड डब्ल्यू बराबर है इसका निरपेक्ष मान एवं एक बटे जे जी एच एक्स आई वाई आई जहां जे जी एच अंततः हम लिख सकते हैं जोड़ i j p i q i z w f x y p i z w q i z w यह राक्षस। अंत में हमें यह सूत्र प्राप्त होता है जो कि दो यादृच्छिक चरों के दो फलनों को समझने में हमारी सहायता करता है। अब हम एक आवश्यक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि x एवं y स्वतंत्र गौसियन अथवा गौसीय यादृच्छिक चर हैं जिनका मध्यमान शून्य एवं प्रसरण एक समान सिग्मा वर्ग है। हम इन यादृच्छिक चरों के इनके इन एक्स वाई के एक्स वाई अर्थात यादृच्छिक चरों के फलन अथवा फलनों आर बराबर वर्गमूल एक्स वर्ग जमा वाई वर्ग जहां आर निश्चित रूप से शून्य से अधिक है एवं थीटा बराबर टैन इनवर्स y बटे x माइनस पाई यह इनके घनत्व फलन ज्ञात करना चाहते हैं। हम इनके घनत्व फलन ज्ञात करना चाहते हैं। अब हम जानते हैं कि एफ एक्स वाई बराबर है यह। अब जिस प्रकार हमने
एक्स वाई के फलनों के रूप में आर एवं थीटा को परिभाषित किया, उसी प्रकार हम आर एवं थीटा के फलनों के रूप में एक्स वाई को परिभाषित कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं एक्स बराबर है आर कॉस थीटा एवं वाई बराबर है आर साइन थीटा। अब निश्चित रूप से यदि मैं आर थीटा जी एक्स वाई की बात करूं, तब यह एक एकाकी फलन है, अर्थात किसी एक एक्स वाई द्वय के लिए मुझे केवल एक ही आर थीटा द्वय प्राप्त होगा, अर्थात हम वह जोड़ करने से बच गए। एक एक्स वाई द्वय के लिए एक ही आर थीटा द्वय प्राप्त होगा। यह एक्स वाई द्वय के द्वारा जिन लोगों ने यह समझ लिया है उनके लिए अच्छा है, नहीं तो यह मैं यह बताने के लिए अच्छा समय है कि यह मूल रूप से कार्टेशियन समष्टि में एक्स वाई द्वारा प्रदर्शित बिंदु को ध्रुवीय समष्टि में जाने का उपक्रम है। हम कार्टेशियन समष्टि से ध्रुवीय समष्टि की ओर जा रहे हैं, अथवा उस बिंदु की कार्टेशियन परिभाषा के स्थान पर हम उसकी ध्रुवीय परिभाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यह एक ही फलन है, अर्थात कार्टेशियन समष्टि का हर बिंदु ध्रुवीय समष्टि का एक ही बिंदु होगा, यह हम जानते हैं। अब यह एक ही फलन है, तदस्वरूप एक्स वाई को हम केवल इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, एवं हम यह लिख सकते हैं कि एक्स बराबर है आर कॉस थीटा एवं y बराबर है r साइन थीटा, जैसा कि हमने ऊपर दर्शाया था। अब जैकोबियन ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं जैकोबियन एक्स वाई आर थीटा के रूप में जैकोबियन होगा, अर्थात कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, यह बराबर है आर कॉस वर्ग थीटा जमा आर साइन वर्ग थीटा बराबर है आर, अर्थात क्षमा कीजिएगा यह भी, यदि एफ एक्स वाई एक्स वाई को मैं इस रूप में लिखूं, तब एक्स वाई आर थीटा के रूप में लिखा जाएगा सिग्मा वर्ग आर वर्ग बटे दो सिग्मा वर्ग, एवं जे एफ आर थीटा आर थीटा बराबर है आर एफ एक्स वाई आर थीटा बराबर है
आर बटे स्क्वायर आर स्क्वायर, यह अर्थात सिग्मा वर्ग आर वर्ग बटे दो सिग्मा वर्ग गुणा एक बटे दो पाई। मैं यह देख सकता हूं कि अनंत से अनंत सिग्मा वर्ग दो सिग्मा वर्ग डी आर एक एवं दो पाई, क्षमा कीजिएगा, शून्य से अनंत माइनस पाई से पाई डी थीटा बराबर है एक, अर्थात एफ आर आर है आर बटे सिग्मा वर्ग आर वर्ग बटे दो सिग्मा वर्ग एफ थीटा थीटा बराबर है दो पाई। इसे रैले घनत्व फलन कहा जाता है एवं हम यह देख सकते हैं कि यह एक समरूप घनत्व फलन है। अंततः हम कह सकते हैं यदि x y स्वतंत्र गौसियन यादृच्छिक चर हैं जिनका मध्यमान शून्य है एवं प्रसरण एक समान सिग्मा वर्ग है, तब आर बराबर रैले होगा एवं थीटा बराबर टैन इनवर्स शून्य से दो पाई के बीच अथवा माइनस पाई से पाई के बीच, आप इसे किसी भी रूप में लिख सकते हैं, समरूप बंटित यादृच्छिक चर होगा। धन्यवाद।